सब्सक्राइब करो NC7 न्यूज नू ते लेटेस्ट अपडेट पाउन ले प्रेस करो बेल आइकन। पंजाब च लुटेरे हुणे ने बेखौफ हो गए ने। लुट्टां ते कतल दीआं वारदातां विच लगातार वाधा हुंदा जा रिहा है। अजिहा ही कुछ नाभा ब्लाक दे पिंड चट्ठा च वेखण नूं मिलिआ, जिथे तड़कसार चार लुटेरिआं वल्लों इक परिवार दे मैंबरां नूं गन पॉइंट ते बंधक बना के लुट्ट दी वारदात नूं अंजाम दित्ता गिआ। जानकारी दिंदिआं पीड़ित ने दस्सिआ कि चार लुटेरे उस नूं, उस दी पत्नी नूं अते नौकर नूं गन पॉइंट ते बंधक बना के घर विच पिआ 40 तोले सोना अते 2 लख कैश अते होर घर दा समान लुट्ट के फरार हो गए। सवेरे कोई 5 बजे झाड़ी का मुंडा सी, मैं नौकर हों जी मेरे को मैंने चकता रात बाथरूम वगैरह करवा क्या उठ के जो डर कख पाए टाइम बहुत हो गया। तो वो जो कख पाँव गया उतों जाकर कूकर वाला पाँव लग गया। तो मैं अपने घरदों ने कहा भी उसे डंगर ने मारे भी नौकर अपना कोई देखते जो है गई उत्थे ही फट ली उन्होंने फट के अंदर ले मेरे को आ गया मेरे पिस्टल रखा मथे गर्दन तो मेरी दबी तो मेरा जो इतने कैश पे खर्चे वास्ते वो लै गए एक मेरा पर्स सी वो लै गए चाहिए दो मंगाए थे मेरे सराने पैसे लै गए वो समान कोई सटे ही नहीं एकदम मेरी बेटी सी बाहर गई है थोड़िया टूमा से साढ़े को इतने ही समा के गई थी ਟੁੰਬਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਆਈਡੀਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 40 ਤੋਲੇ ਰੱਖੀ ਕੈਸ਼ ਮੇਰਾ ਉੱਧਰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਮਾਰੇ ਘਰ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ ਤਿੰਨੇ ਸਵੇਰੇ ਹਾਂਜੀ 5:35-40 ਸੇਵਾ ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੱਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। नाभा के DSP राजेश छिंबड़ ने दस्सिया कि चार लुटेरियां वालों गन पॉइंट से लुट की गई है। पीड़ित परिवार के बयान दर्ज करके वक् वक् एंगलों तो कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इतला आई सी चट्ठे पिंड वारदात हुई है, मनोज सिंह के घर लुट हुई है। सारे अफसर पहुंचे ने, SPD साहब भी, SHO सदर, 4 CAG कर रहे हैं सारे ग्राउंड लैके ट्रेस इन्हों दस मुताबक है 25-30 तोले सोना 2 लाख रुपया कैश। 4 बंदे आए थे नौने से 25-30 साल की उम्र दस मूँह ढके हुए थे इन्हें बन के घरों लुट गए वैपन भी दिखा के गए ਅਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਟੀਮ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ मेहनती ईमानदार ਅਤੇ ਨਿਰਧੜਕ अधिकारी ਭਰਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ने ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਰਾਜ ਮਨੂਕਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਟਫੱਤਾ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਗਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
जिहड़े भी सरकार ने ऑर्डर किए जी उन्हों का पूरे ईमानदारी और मेहनत नाल ड्यूटी निभावांगा जी। इन्हां शहरां दे विच जिहड़ी भी कोई प्रॉब्लम है चाहे स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम उरे दा स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम काफ़ी देर तो बंद पई है, सफाई का भी काफ़ी बुरा हाल है, टुट फुट बहुत पई है सड़कों के विच। ये सारे विकास के जिहड़े काम है ये सरकार ने जिहड़ी ड्यूटी दी है इहनूं पूरा करते हुए ये जल्दी तो जल्दी पूरे करांगे। अते थोड़े माध्यम नाल लोगों नूं भी मैं बेनती करदा कि शहर नूं साफ सुथरा रखने वास्ते शहर के विकास वास्ते पूरा मेरा सहयोग दिया जाए। जिथे तक स्ट्रीट लाइट का सवाल है, स्ट्रीट लाइट बंद पई है, मैनूं पता लगे काफ़ी देर तो, जिहड़ा कि काफ़ी चिंता का विषय है। कोई भी अनसुकामी घटना रात को हो सकती है, ये अज ही चालू कराने वास्ते एफर्ट्स मैं कर जा रहा हूं। थैंक यू। पंजाब कोरोना वायरस की दूजी लहर की शुरुआत होंगी जापती है। पिछले 24 घंटे के अंदर एक बार फिर पंजाब अंदर कोरोना ने 23 लोगों की जान ले ली है। पंजाब कोरोना नाल मरण वाले की गिनती 4,480 हो गई है। इस दे नाल ही 445 नवे मामले वेखन नूं मिले ने। पिछले 24 घंटे के दौरान लुधियाना दे विच 84, जलंधर दे विच 28, पटियाला 20, मोहाली 118, अमृतसर 32, बठिंडा 23, हुशियारपुर 45 अते फरीदकोट 19 नवे कोरोना केस आए ने। सोमवार नूं अमृतसर 2, बठिंडा 1, फरीदकोट 1, फिरोजपुर 1, जलंधर 2, लुधियाना 7, मोगा 1, मोहाली 1, नवांशहर 1, पठानकोट 1, पटियाला 1 अते रोपड़ 4 लोकां दी मौत हुई है। सेहत विभाग दे अंकड़ों के अनुसार पंजाब अंदर हुण तक 1,42,082 लोग कोरोना वायरस नाल संक्रमित हो चुके हन। इस दौरान 1,32,013,2001 सेहत याब भी हुए ने। पंजाब अंदर इस वेले 5,601 एक्टिव कोरोना मरीज ने। सूत्रां दे हवाले तो वड्डी खबर, बठिंडा सेहत महकमा वालों लगातार बच्चों की जिंदगी दे नाल खिलवाड़ किया जा रहा है। आए दिन HIV पॉजिटिव खून बच्चों नूं चढ़ाउण दे मामले बठिंडा ब्लड बैंक तो सामने आ रहे ने, पर इस संबंधी उच्च अधिकारी कुछ भी बोलण नूं तैयार नहीं ने। अजिहा एक ताजा मामला तलवंडी साबो दे पिंड शेखपुरा तो सामने आया, जिथे 13 साल बठिंडा ब्लड बैंक चाया सी। उक्त बच्चा थैलेसीमिया बीमारी तो पीड़ित है, उसनु 15 दिन बाद बठिंडा ब्लड बैंक तो खून चढ़ाया जांदा है। अज जदों पीड़ित बच्चा खून चढ़ाउन आया तां पहला उसका नमूना लिया गया तां HIV पॉजिटिव पाया गया। रिपोर्ट देखते ही परिवार दे पैरां थल्लों जमीन खिसक गई। पीड़ित बच्चे की माँ ने रोंदे हुए गुहार लगाई कि उसके बच्चे की जिंदगी दे नाल खिलवाड़ करन वाले खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पंजाब दे संगरूर विच मंगलवार सवेरे दर्दनाक हादसा वापरिया। सुनाम रोड ते ट्रक दी टक्कर तो बाद कार नूं अग लग गई। इस कारण कार विच सवार 5 व्यक्तियों दी मौत हो गई। दस्या जा रहा है कि मृतक किसी रिसेप्शन पार्टी तो वापस आ रहे सी। मिली जानकारी दे मुताबिक यह हादसा संगरूर दे सुनाम रोड ते वापरिया। प्रत्यक्ष दर्शियों दा कहना है कि अग इन्नी भयानक सी कि असीं कुछ नहीं कर सके। कार दा सेंटर लॉक लगन करके किसी नूं बाहर नहीं कढ़िया जा सकिया। कार दी जिस ट्रक दे नाल टक्कर हुई ए डीजल टैंक सी, जिस तो डीजल लीक होने लग गया ते आग लग गई। मृतक मोगा जिले दे दसे जा रहे हैं।